नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। हाजिर हूं आपके सामने आज की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की हार पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। उपचुनाव के परिणाम को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी बैठक बुलाएगी और जनादेश पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीट फतेहपुर, आरकी और जुब्बल कोटखाई पर जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी समय पर होने वाली बैठक बुलाएगी, जनादेश पर चर्चा करेगी और इसके पीछे के कारणों की तलाश करेगी। इससे सीख लेते हुए आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि 2022 में एक बार फिर से कमल खिले। वहीं उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी आत्मावलोकन करेगी। जुब्बल कोटखाई सीट पर बीजेपी प्रत्याशी निमल सेराइक अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी, उन्हें महज 2644 वोट मिले। सेराइक को पार्टी के बागी के हाथों हार झेलनी पड़ी, जिनके पिता पहले इस सीट से विधायक हुआ करते थे। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार कांग्रेस ने अपनी फतेहपुर और आरकी सीट बरकरार रखी है। वहीं जुब्बल कोटखाई सीट बीजेपी से छीनने में कामयाब हुई।